हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद चैनल। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है वैसा ही कुछ होने वाला है। हम आपके जो बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें बेसिक से ज्योमेट्री नहीं आती, तो बस आप समझ लीजिए आपका बेसिक से जो ज्योमेट्री वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने जा रहा है। हम लोग ज्योमेट्री के बेसिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो से किसको फ़ायदा मिलेगा? इस वीडियो से जो लोग 10th क्लास में हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें ज्योमेट्री आती है उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोग को ज्योमेट्री के बेसिक्स नहीं आते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि उन लोग को बेसिक्स क्लियर हो जाए। कभी कभार क्या होता है कि हाई फाई लेवल का क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ये क्लास 10th NCERT की PDF है जिसमें से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, बेसिक्स क्लियर करेंगे। चलिए, यू आर फैमिलियर विद द ट्राइंगल्स एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम हियर। देखिए, मैं थोड़ा डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास 9th में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। जो जो जरूरी है वो मैं अंडरलाइन करूंगा। टू फिगर्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तभी बोलेंगे जब उनका शेप और साइज बराबर हो। जैसे आपके घर में स्विच बोर्ड लगे हैं, जरा स्विच बोर्ड को ध्यान से देखना, एक ही साइज के होंगे मोस्टली। पंखे भी एक ही साइज के होते हैं। ठीक है, जो आपके घर में बॉटल है, कभी कभार आप 6-7 का बॉटल खरीदते हो, उनका शेप और साइज बराबर होता है। तो जब किसी चीज का शेप और साइज बराबर हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। हिंदी में कॉन्ग्रुएंट को बोलते हैं सर्वांगसम। तो जब भी किसी भी दो चीज का शेप और साइज बराबर हो तो उसे कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है, सर्वांगसम। तो टू फिगर्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, तो जब दो चीजों का शेप और साइज बराबर होता है तो उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, मींस उसे बोलते हैं सर्वांगसम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और एक और चीज याद रखना, फिगर मतलब जरूरी नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल में नहीं होती, कहीं पे भी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या दो क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट है, तो हाँ है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में हो, कहीं पे भी हो सकती है। इन दिस चैप्टर अब हम लोग को इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है सिमिलैरिटी के बारे में। जब दो फिगर को सिमिलर कब कहा जाता है? दो फिगर को सिमिलर तभी कहा जाता है जब उनका शेप बराबर हो। साइज बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जरा डिफरेंस याद रखना, कॉन्ग्रुएंट कब होता है, सिमिलर कब होता है। कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब शेप और साइज दोनों बराबर हो। सिमिलर तब होता है जब सिर्फ और सिर्फ शेप बराबर हो, साइज बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताना और रीजन बताना। मेरा क्वेश्चन है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर मतलब सारे सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लॉजिक के साथ बताना। ठीक है, चलो, इन द पर्टिकुलर वी शैल डिस्कस द, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस करना है। मैं आप लोग से पहले भी कह चुका हूँ, देखिए स्कूल टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है क्योंकि स्कूल टेक्स्ट बुक में जो नॉलेज दी रहती है वो थोड़ा सा बेसिक से दी रहती है और हमारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाते हैं। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम हमें देखने की जरूरत नहीं है, जो डायग्राम देखने की जरूरत है वो बताऊंगा। कहने का मतलब है कि अब आगे जो जो चीजें हमें पढ़नी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों सिमिलैरिटी पढ़नी होती है, व्हाई वी नीड टू स्टडी सिमिलैरिटी, क्यों पढ़ें आखिर। कभी कभार इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सिमिलैरिटी को पढ़ते हैं। अभी क्या चीज है उसको ऊपर वाले डायग्राम से समझ सकते हैं। एक्चुअली इस डायग्राम में ये दिखा रहा है कि अगर तुम्हें मान लो हाइट नापनी है, ठीक है, मतलब तुम्हें अगर जानना है कि तुम्हारी घर से तुम्हारे चांद की दूरी क्या है, तो तुम पहाड़ पे नहीं चढ़ जाओगे। अगर तुम पहाड़ पे चढ़ते हो तो क्या तुम चांद की दूरी को नाप लोगे? नहीं। और अगर तुम अपने घर पे चढ़ते हो तो क्या तुम चांद की दूरी को नाप लोगे? दोनों जगह नाप सकते हैं। एक्चुअली डायग्राम ये बताना चाह रहा है कि तुम घर पे चढ़ के भी चांद की दूरी नाप सकते हो और पहाड़ पे चढ़ के भी चांद की दूरी नाप सकते हो, तो पहाड़ पे चढ़ना ही क्यों है जब तुम घर पे चढ़ के चांद की दूरी नाप सकते हो। अब ये क्या चीज है बताऊंगा। एक्चुअली सिमिलैरिटी से क्या होता है ना, हम लोग डिस्टेंसेस को नाप सकते हैं, दूर दूर की डिस्टेंसेस को भी नाप सकते हैं। वो क्या है अभी आप लोगों को डिटेल में क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स के लिए हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स को पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्या है उसका, कैसे यूज होता है बताएंगे। सिमिलर फिगर्स, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया
कि जब दो चीजों का शेप बराबर है, साइज बराबर हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। जैसे देखो ये वाला फिगर है, इसमें क्या है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों का शेप बराबर है कि नहीं, तो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल सिमिलर है, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों का शेप बराबर है तो सिमिलर है। जब भी दो चीजों का शेप बराबर होगा तो उनको सिमिलर कहा जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बराबर है, शेप बराबर है, तो वे सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, जो मैंने आपसे पूछा था वो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हैं, पर सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कि एसएससी सीजीआर के लिए क्या पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रूविंग आती होगी ना, तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो अगर आपसे कहा जाए क्या सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, तो हाँ होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ठीक है। चलो चलो, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसका डिटेल में बेसिक्स पढ़ो जरूर, ठीक है। चलो, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, तो ये तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे सबका शेप बराबर होगा, जिनका शेप बराबर है वो सिमिलर होंगे। लेकिन अब हम लोग क्या करें, जैसे मान लो अगर मैं ये इमेज दिखाऊं, यहाँ ताजमहल बना है, यहाँ ताजमहल, इस वाली इमेज में ताजमहल छोटा दिख रहा है, इसमें थोड़ा बड़ा, इसमें थोड़ा बड़ा, तीनों में शेप बराबर है, तो इसमें मतलब ये तीनों फोटो सिमिलर है, ठीक है। तो साइज डिफरेंस होने से कुछ नहीं होता, शेप बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब एक बात मैं आप लोग से कहूँ, यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी चीज को सिमिलर बोलेंगे कब, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, हमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखो, अगर दो पॉलीगन है, वैसे हमें ट्राइंगल के लिए पढ़नी है लेकिन पॉलीगन बोल दिया वहां पे, तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, उनको सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनके एंगल्स बराबर होंगे। पहली चीज तो उनके एंगल बराबर होनी चाहिए, दूसरी चीज उनकी साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब एक तो उनके एंगल बराबर होने चाहिए, दूसरा उनके साइड्स का रेशियो भी बराबर होने चाहिए। देखिए डेफिनेशन बता दी, अब ये डेफिनेशन अपने दिमाग में बैठा रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, हालांकि उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको अगर समझाता हूँ, सपोज यहाँ पे एक आपने बल्ब लगाया और यहाँ पे आपने एक प्लेट रखी जो प्लेट क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मेट में, अगर इस प्लेट की छाया बनेगी तो उसका शेप, छाया का शेप और प्लेट का शेप बराबर होगा। देखो यहाँ बल्ब लगाए, यहाँ बल्ब लगाए, यहाँ बल्ब लगा है और यहाँ पे एक प्लेट है, इस बल्ब की रोशनी इस प्लेट पे पड़ रही है, उसकी छाया नीचे बन रही है, तो इसका और इसका शेप बराबर होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, इन दोनों का शेप क्या होगा, बराबर होगा। तो आई होप आप लोग को मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि जब भी हम किसी चीज का शेप बराबर करते हैं ना, तो अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो ये जो ए डी है, ए की इमेज बनी ए डैश, डी की इमेज बनी डी डैश, तो ए डी और ए डैश डी डैश का जो रेशियो होगा वही बी सी और बी डैश डी डैश का रेशियो होगा। जैसा कि यहाँ पर देखो बोला है, इस एग्जाम्पल को देखना, इसमें जो एंगल ए होगा वही एंगल ए डैश होगा, जो एंगल बी होगा वही एंगल बी डैश होगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोगों ने जो लिखी है वो ये है, मैंने आपसे क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल ए डैश के, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल बी डैश के, एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल सी डैश के, एंगल डी बराबर होना चाहिए एंगल डी डैश के, और साइड का रेशियो मतलब ए बी का रेशियो अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डी का रेशियो अपॉन ए डैश डी डैश, क्योंकि छाया में जब बनेगी तो उन दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो सिमिलैरिटी यही कहती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, और क्यों बराबर हो इसका लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी चीज याद मत किया करो, समझा करो कि एंगल बराबर क्यों होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट, अगर हम लोग इस फिगर के बारे में बात करें, ये जो फिगर आपके सामने है, ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, एंगल बराबर होना चाहिए और साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये फिगर आपके सामने है, सबसे पहले देखो 70 बराबर है 70 के, 85 बराबर है 85 के, 105 बराबर है 105 के, 100 बराबर है 100 के, 1.5 को अगर डबल किया जाए तो 3 आता है, 2.5 को डबल किया जाए तो 5 आता है, 2.4 को डबल किया जाए तो 4.8 आता है, 2.1 को डबल किया जाए 4.2 आता है, 2.5 को डबल किया जाए 5 आता है,
ध्यान से देखो इसका शेप बराबर है, मतलब अगर तुम्हें चेक करना है कि दो चीजें सिमिलर हैं कि नहीं, तो सिमिलर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका एंगल्स बराबर हो। तो सबसे पहले देखो 70 बराबर 70 के है, 100 बराबर 100 के है, 105 बराबर 105 के है, 85 बराबर 85 के है, और साइड का रेशियो भी बराबर है। ठीक है, तो एंगल बराबर है और साइड का रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये फिगर सिमिलर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर एक पॉलीगन दूसरे के सिमिलर है और दूसरा पॉलीगन तीसरे के सिमिलर है, तो पहला और तीसरा भी सिमिलर होंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ए बराबर बी के है और बी बराबर सी के है, तो ए बराबर सी के होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा अगर इस वाले क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें, तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो ये 90 है, ये 90 है, मतलब एंगल तो बराबर है। थ्री, अब देखो यहां पर देखो क्या, इस वाले थ्री और इस वाले थ्री का रेशियो आ रहा है 1, लेकिन इस वाले थ्री और 3.5 का रेशियो 1 नहीं आएगा। तो रेशियो बराबर है क्या? नहीं बराबर है। तो इनके एंगल तो बराबर है लेकिन साइड के रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए ये सिमिलर फिगर नहीं है। मेरी बात सुनना, देखो ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल और देखो स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंगल तो बराबर है लेकिन साइड का रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर एग्जांपल में अगर आपसे पूछूं कि स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर होते हो सकते हैं क्या, स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर हो सकते हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताना कि क्या स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें होनी चाहिए, साइड एंगल्स बराबर होने चाहिए और साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा जितना मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आज एक एक्सरसाइज करेंगे, कल दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, ऐसे करते करते हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो जैसे इस वाले फिगर के बारे में बात करें, इस वाले फिगर में देखो बताओ कि सिमिलर है कि नहीं। तो सबसे पहले चीज देखो 2.1 का डबल, ये देखो ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है। तो देखो 2.1 का डबल कितना होता है 4.2, 2.1 का डबल कितना होता है 4.2, मतलब साइड का रेशियो बराबर है, साइड का रेशियो बराबर है, लेकिन देखो यहाँ एंगल 90 डिग्री है लेकिन यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये स्क्वायर ऑलरेडी बोला जा चुका है, इसका मतलब इसका एंगल 90 डिग्री है, और ये रोम्बस है, इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो देखो साइड का रेशियो तो बराबर है लेकिन एंगल बराबर नहीं है, इससे सिमिलर नहीं होंगे। तो जरा दोनों कंडीशन याद रखना। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है ऊपर देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब शेप और साइज दोनों बराबर हो। ठीक है, और ठीक है, और तुम्हारा शेप और साइज दोनों बराबर हो, और सिमिलर फिगर कब होते हैं, जब शेप बराबर हो बट साइज बराबर ना हो। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सिमिलर कब होंगे, जब एंगल्स बराबर होंगे और साइड के रेशियो भी बराबर होंगे। ठीक है, एंगल्स बराबर होने चाहिए और साइड के रेशियो। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया आप लोग को, फिर हमने आपको बताया कि कहां पर देखो, ये देखो एंगल तो बराबर है लेकिन साइड का रेशियो बराबर नहीं है। फिर हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि साइड का रेशियो तो बराबर है लेकिन एंगल बराबर नहीं है। तो आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब कुछ क्वेश्चन हमको करते हैं। ऑल सर्किल्स आर ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे सर्किल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी रेडियस बराबर होगी, तो इसका आंसर होगा सिमिलर। ठीक है, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर क्या होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर आपके सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इसका आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना कि ऑल स्क्वायर, देखो ऑल सर्किल आर सिमिलर, क्योंकि सबका शेप बराबर है, सबका शेप बराबर है तो सिमिलर होंगे। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट्स में बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, क्योंकि देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल बराबर होता है, साइड बराबर होती है, तो ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पे होगा प्रोपोर्शनल। पहले वाले देखो, पहले वाले में इक्वल जाएगा, दूसरे वाले में प्रोपोर्शनल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर उनके एंगल बराबर हो और साइड का रेशियो बराबर हो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है साइड का रेशियो बराबर है। ठीक है, गेट टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर।
तो सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर के जरा मुझे एग्जांपल देना है आपको, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में करना। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो फिगर आपके सामने है ये सिमिलर है कि नहीं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 3 का डबल होता है 1.5, 3 का डबल होता है 1.5, ये दोनों फिगर में साइड का रेशियो बराबर है, लेकिन दोनों के एंगल बराबर नहीं है, इसलिए दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं होंगे। तो आई होप आप लोग को आज का सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही मैं कल एक और वीडियो डालूंगा जिसमें लेकिन आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। पहले आप लोग अपने बेसिक्स ठीक कर लीजिए, फिर आप लोग को देखिए ज्योमेट्री में जो मजा आएगा ना, ज्योमेट्री जैसा बढ़िया टॉपिक कोई नहीं है। लेकिन वही दिक्कत होती है कि स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो फिर उनको समझ नहीं आता, सर कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कैसे समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो आई होप आप लोग को बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, और वीडियो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और जो क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर भी बता सकते हो, और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।